कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बी लिंग असमानता सूचकांक, सी मानव विकास सूचकांक और डी मानव गरीबी सूचकांक। इसका उत्तर है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? ऑप्शन ए WTO, बी IMF, सी IBRD, डी UNDP। इसका उत्तर है IBRD। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? ए किन्स, बी महमूद उल हक, सी एडम स्मिथ, डी अमर्त्य सेन। उत्तर है महमूद उल हक। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? शिक्षा रोजगार जीवन स्तर, बी स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, सी स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जीवन स्तर, डी स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। इसका उत्तर है स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। राजस्थानीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी केरल। उत्तर है मध्य प्रदेश। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए अति निम्न मानव विकास श्रेणी, बी मध्यम मानव विकास श्रेणी, सी उच्च मानव विकास श्रेणी, डी निम्न मानव विकास श्रेणी। इसका उत्तर है मध्य मानव विकास श्रेणी। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए आयात निर्यात बंद, बी आयात बंद, सी नियंत्रित पूंजी, डी निर्यात बंद। उत्तर है आयात निर्यात बंद। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रकाशित प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा और डी बिहार। इसका उत्तर है उड़ीसा। किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए रोजगार की शर्तें, बी उद्यमों का स्वामित्व, सी आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, डी कच्ची सामग्रियों का प्रयोग। उत्तर है उद्यमों का स्वामित्व। मानव सूचकांक किसने बनाया था? ऑप्शन ए UNDP, बी एसिन, सी UNCTAD और डी IBRD। इसका उत्तर है UNDP।